में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक जगह तो कपिल देवभूति संवाद में माता देवभूति सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो भगवान ने चार प्रकार के भक्त बताए हैं यहां पर, और इन चार प्रकार के भक्तों को हम लोग सुने। फिर एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण फिर चार प्रकार के भक्त बताते हैं, उनके भी गुण सुनेंगे। हम में कौन से लक्षण हैं ये खोजिए है। यहां पर ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैया देवभूति माता सामने बैठी, मां चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस राजस सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है, थोड़ी मद्दी रखो। तामस भक्त कैसा, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारं भी भिन्नक भावं मयि कुर्यत् सतामस। मां जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है, दंभ समझते हैं किसको कहते हैं, दिखावा पाखंड, पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब विश्वनाथ मंदिर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भी गया है, क्योंकि रिश्तेदार भी गया है, तो उनको जाके हम दिखावे कि देखो हम भी आते हैं। केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि चार लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं। दंभ भाव से आता है, चार लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं, दंभ। और दूसरी बात, बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है कि ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी आपने, हैं? उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। अब देखो महादेव का भक्त रावण भी था, पर रावण किस भाव से जाता था, रावण दर्शन करने थोड़ी जाता था, वो कैलाश पर जाता था। वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की, चारों तरफ लोग खड़े हाथ जोड़कर ये दर्शन करने के लिए, जैसे ही अंदर घुसने लगा दूतों ने कहा लाइन में आओ, तो रावण बोला अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या, तुम जानते नहीं हम कौन, दशानन। अब ये विचार कर लो, जो लोग मंदिर जाते हैं और लाइन में लगा दिए जाएं तो उनको बड़ी अपनी अवहेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं। बस एक बात बोले, सबसे ज्यादा बिना लाइन के दर्शन मैं ही करता हूं, लेकिन एक बात बताऊं, मैं जानबूझ के नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कि भाई बिना लाइन के करें, कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाती है, या तो मंदिर अधिकारी पहचान जाते हैं या कोई पहचान जाता है तो फिर मिल ही जाते हैं दर्शन हमको। लेकिन कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय। लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे, उस समय मन में आता है कि भाई ये यही लक्षण तो भगवान कहते हैं, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो केवल और केवल अपने यश कीर्ति और केवल अपने
अभिमान में मेरे सामने आता है। मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है, नाथ मुझ पर कृपा भले ही मत करो लेकिन उस पर भी मत करो। आप उस पर क्यों कर रहे हो? मुझ पर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उस पर क्यों कर रहे हो? फिर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है मैया, वो भक्त तो है बेचारा लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था तो वो उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाएं, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाएं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम टटम टम टटम टम डमशम डमशम डुडमशम डुई डुई चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वांग कु क्वांग क्वांग कु क्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति सकलम पातुनो चंद्रचूड। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो, क्या हो गया? बोले कि बर्फीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव, ये तो बड़ी कृपा, महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त, ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं। ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है, ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे क्या बोलेंगे, भूल गए। ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। कल आपको मैं किस भाव से बताऊं, कल मैं नौका विहार से सीधा भागा विश्वनाथ, मैंने कि पता नहीं अब कब दर्शन हूं, अभी चलो। हम गए, मंदिर का पूरा प्रोटोकॉल पहचान गया कल हमको, मैंने कि जय हो, ले गए सब भीतर। अच्छा, विश्वनाथ दर्शन करने जाता हूं, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है, 7-8 लोग थे हम, पर हम दो ही रह गए प्रोटोकॉल के पास, बाकी के 5-6 कहीं और चले गए। अब ये हमको ढूंढे, हम इनको ढूंढे, मैंने क्या हो गया। अब हम तो बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए, इतने में ये लोग भी अंदर आने लगे। उसी समय शंकराचार्य जी आए हुए थे मंदिर में, वो पूजा आराधना कर रहे थे। ये पुलिस वालों से सीधे जाकर के बोले, अरे हम शंकराचार्य जी के साथ आए। पुलिस वालों ने तुरंत दरवाजे खोले, जल्दी जाओ भीतर, लौटते समय हमारे लिए प्रसाद और ले आना। अब ये भीतर घुस रहे, इतने में हम आ गए। अरे मैंने कि रुको रुको रुको, मिल गए भैया, जल्दी आओ। अब ये बाहर आ, पुलिस वाले कहे आप तो शंकराचार्य जी के संग थे। बोले वो खड़े हमारे शंकराचार्य, मेरे को दिखा। मैं बोले जी, पर लेके गए तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिए, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को। वैसे तो देखो संतोष करना चाहिए जैसे दर्शन हो जाए, पर हमें एक बात आ जाती है बार बार ब्रजवासी होने की, लाला कछु कृपा कर भैया, देख ले तेरो मित्र है विश्वनाथ भगवान, या तो कह देने हमें पास बुला ले। हम दर्शन करके बाहर आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आ जाओ। मैंने क्यों? बोले आप जाके महादेव को स्पर्श कर लो और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो। मेरी सही में? बोले हाँ चलो। लेके गए, खोल के कपाट, धुलाई चल रही थी सप्तऋषि आरती के लिए, हमको जाके वहां बैठा दिया। बोले अब आप बैठ के खूब स्पर्श करो महादेव का खूब। मैंने कि जय हो, यही तो आनंद चाहिए, यही तो सुख चाहिए। खूब दर्शन किए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तामसी भक्त कौन, जो दूसरे की हिंसा की भावना से मेरे पास आता है, मेरे सामने आकर के भी उसका अहम नष्ट नहीं होता।
ठाकुर जी के सामने जाए तो हम यह भी एक बार को भूल जाए, कल मैं जो बात बता रहा था वो तो भूल ही गया, कल ठाकुर जी के सामने जब मैं गया तो यहाँ कथा में बोल के गया था कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल है, कल महादेव के सामने मुख से यही निकल रहा था, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। और बाहर आके मैं खुद भूल गया कि मंदिर में यहाँ ओम नमः शिवाय बोलते, लेकिन कथा में बोल के गया ना तो वही चीज लागू हुई। राधा वल्लभ लाल जी का जब नाम उच्चारण किया महादेव ने स्पर्श कराया, अद्भुत आनंद हुआ। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे, वहां पर भी अहम भाव है, मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरे कपड़ा खिंच रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मुझे घुटन हो रही ना, ठाकुर जी के सामने जाके तो बस शून्य हो जाओ, कोई और भाव नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है, हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता है मैया, वो तामसी भक्त, तामस। दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भक्त। ये राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया कि विषयान विसंधाय यसे ईश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक् भावस राजस। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त का लक्षण क्या है, मां जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया, और दूसरा लक्षण इसका बताया जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी कोई गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं, आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसारिक संपत्ति की कामना करता है मेरे से, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये काम रुके वो बन जाए, भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, संसार में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है। हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ, ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं, ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है, अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर, लेकिन देव देव आलसी पुकारा। सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं वो महा आलसी हैं, कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो। जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं, तो माफ कीजिए आपके द्वारा किए गए वैष्णव धर्म वो उच्च श्रेणी श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। एक जगह मैं कथा करने के लिए गया तो जैसे सब माला जपते हैं, नाम जप करते हैं,
आजकल काउंटर आ गया, वो ऐसे उंगली में लगा रहता है और लोग उस पर बटन दबाते रहते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं माला, कब माला क्या है? साधन है, साध्य नहीं है, माला साधन है। और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट, फ्लाइट क्या है? साधन है। साध्य क्या है? बनारस। तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा तब तो साध्य मिलेगा ना। मैं साधन में ही बैठा रहूंगा, साध्य कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्य वाली बात? माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे। ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुर दास बाबा, 80 से ऊपर की आयु में जब भगवत धाम को प्रस्थान किए, तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका स्मरण आया। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैं छोटा बालक ही था। जब मैं दर्शन करने गया ठाकुरदास बाबा के, तो अचेत अवस्था में पड़े थे पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थी, उंगली चल रही थी, और उंगली जैसी चली है, क्या हुआ? एक संग सबके फोन चले है? मैंने कि भाई एक संग सबके, इमरजेंसी क्या? भूकंप आ रहा है? साइलेंट कर लीजिए अपने फोन, अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमरजेंसी आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम क्या निवेदन कर रहे थे? मैं तो भूल और गया, साधन और साध्य। वाह भैया तुम कथा सुनते हो हैं, तो बलैया ले तेरी। तो साधन और साध्य, तो ठाकुर दास बाबा का मैंने दर्शन किया। उनका जब मैं दर्शन करने गया, अचेत अवस्था में थे पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था पर उंगली ऐसी चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये उंगली कैसे चल रही है। वो उंगली क्यों चल रही थी? नाम इतना जपा था कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। नाम अभी भी चल रहा है, भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा। और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब इन, ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें, ये पावा विश्राम। अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुन, आप कुछ भी कर लीजिए पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ति तो बढ़ जाएगी लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी। दीनता समझते? सरलता, सहजता, दीनता, ज्यादा छल कपट नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं, ये सब कब आते हैं हमारे भीतर? जब हम झुकते हैं। और ठाकुर जी के सामने झुकना झुकना नहीं माना जाता, माफ कीजिएगा। क्यों? ठाकुर जी को आप चाहे पकौड़ी खवाओ, चाहे कचौड़ी खवाओ, चाहे पूड़ी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, बेचारे सब पालेंगे। लेकिन संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए वही दो, जो इनको प्रिय लगे वही दो। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे, मुझे ओझल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे और उनके अब याद आते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे,
और वो संत पधारे गर्मी के महीने में, ज्येष्ठ ज्येष्ठ के महीने में आए, बहुत गर्मी होती है, तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा गुरुजी के स्नान के लिए। पड़ोसी जो था उसको पैज रहती थी कि इससे बढ़िया मुझे करनी है सारे काम, तो उसने आकर के सब देखा ये गुरुजी का सत्कार कैसे कर रहा है, पुष्प बिछा रखे हैं, बढ़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरुजी को नहाने के लिए, उसने बढ़िया ठंडाई बना रखी है, बोले गुरुजी स्नान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको उनको ठंडाई पिलाऊंगा आदि आदि। अब ये सब पड़ोसी देख रहा था, गुरुजी आए, पुष्पों से स्वागत किया, ठंडे जल से स्नान किया गुरुजी ने, ठंडाई पी, गुरुजी बड़े प्रसन्न है, बोले वाह हम तुमसे बड़े प्रसन्न है। पड़ोसी आया बोले महाराज जी कभी मेरे घर भी पधारो, बोले अभी तो हमारा सब बुकिंग है, हम आएंगे, कब आओगे, बोले तुम्हारे आएंगे शिशिर में ठंडी में आएंगे, ठीक है। सोच लो क्या हुआ होगा, गुरु जी के लिए ठंडे घड़े में जल भर के रखे, गुरु जी आएंगे इसी से स्नान करेंगे, और फिर गुरु जी के लिए बढ़िया उसने ठंडा ही बना के रखी है, गुरु जी को यही पिलाएंगे। गुरु जी घर में आए, आकर के जैसे स्नान करने के लिए गए, गुरु जी बोले ए, ये तो बड़ा ठंडा जल, अरे गुरु जी नहीं आप उसके यहाँ भी नहाए थे, मेरे यहाँ नहाना पड़ेगा। गुरु जी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नहाएंगे, नहीं उस पर ज्यादा कृपा कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, उसके यहाँ नहा लिए, मेरे यहाँ नहीं नहाओगे, कैसे नहीं नहाओगे, गाड़ी उठा के उसने ही नहा दिया। गुरु जी बेचारे कप कप आ गए, बोले लो अब ठंडा ही पियो, बोले अरे चाय पिला भैया, गर्म दूध पिला, मर जाएंगे हम ठंड लग रही, नहीं आप उस पर ज्यादा कृपा, उसके यहाँ तो आप लस्सी पी रहे थे, हमारे यहाँ चाय मांग रहे हो, नहीं पीनी तो पड़ेगी। हुआ क्या, गुरु जी को निमोनिया हो गया। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए, संत आए उसको पता चल गया कि कोई संत आए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा ही करता रहा, एक बार भी एक क्षण के लिए ये नहीं बोला कि महाराज जी विराजो मैं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट का समय दो आप विराजो, आसन लगाओ, किसी से कहता जल आदि पिलाओ मैं अभी आ रहा हूं, उसको पता था कि संत आए लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूं मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं, ठाकुर जी कोई करने लगा उनको देखा भी नहीं, केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधु कभी ना बने हमसे, इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो, वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव का मतलब क्या होता है, वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से, किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो, माफ कीजिए अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो, तिलक है गले में, कंठी माला है हृदय में, नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो, वैष्णव। तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है, ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है, ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है, डलिया में लिए घूम रहे ठाकुर जियों को, सेवा तो उनकी भी हो रही है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा आसान है, वैष्णव सेवा कठिन है, वो करना प्रारंभ करो। तो भगवान कहते हैं ये राजस भक्त जो है केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, इसके अलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता, ये भी मुझे प्रिय नहीं है। मैया आप श्रृंगार कैसा करते हो, 56 भोग कितना धराते हो,
ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, पर उसके संग संग वैष्णव सेवा का भाव भी आपके हृदय में, संत सेवा का भाव भी आपके हृदय में होना चाहिए। संत पधारे, वैष्णव पधारे, उस समय यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पे धूल पड़ी है, प्रणाम करो। भक्तन में मति, भक्तन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। हमारे ब्रज में एक भक्त हुआ, जब वो सारे भक्तों से मिलता, सब अपने ठाकुर जी की बात बताते, हमारे लाल जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी ऐसे, वो चुपचाप बैठा रहता। सब बोलते, तू क्यों नहीं बताता तेरे ठाकुर जी कैसे, तेरी सेवा कैसी चलती है। बोले, बस बढ़िया चलती है, मेरे को बताने का मन नहीं है। बोले, अरे देख, हम सबके घर पे उत्सव भी होते हैं, तू कभी उत्सव भी नहीं करता, बताया तो कर तेरे ठाकुर जी कैसे। बोले, नहीं, मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराता। बोले, क्यों नहीं कराता। बोले, कोई मेरे ठाकुर जी को देख के ये नहीं बोले ये कैसे ठाकुर जी, इसलिए मैं नहीं कराता। अब तो सबको और ज्यादा लगे कि इसके ठाकुर जी देखो ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया, जिनको देख के सब यूं बोल जाते ये कैसे ठाकुर जी। एक भक्त पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं, मैं तो तेरे लाल जी का दर्शन करूंगा। बोले, तुम बोल दोगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो चलो, लेके गया कुटिया में, तो जैसे कुटिया में लेके गया तो एक सिंहासन पर एक छोटा सा मटका रखा था, और मटके के ऊपर चंदन लगा, रोरी लगी, माला लगी, सब बढ़िया सजा धजा के वो मटका रखा था। बोले, कहाँ है ठाकुर जी। बोले, जे बैठे। मटके को दिखाया, बोले ये रहे। तो ना चाहते हुए उसके मुख से निकल ही गया ये कैसे ठाकुर जी, मटका वारे ठाकुर जी। बोलते, इससे कही थी ना मत बोलना ऐसे। बोले, अरे भैया यार गलती हो गई, लेकिन बता तो सही ये कैसे ठाकुर जी हैं, मटका। बोले, मटका नहीं है, हमारे वृंदावन में जितने भी संत आते हैं ना, और जब वो चल के चले जाते हैं तो उनकी रज में इकट्ठी करके इसमें भर लेता हूं, और उन्हीं संतों की चरण रज को मैं नित्य अपने श्यामा श्याम के रूप में देख करके। बोले, इसमें कुछ कण सफेद हैं, वो श्री किशोरी जी हैं, कुछ कण श्याम हैं, वो श्याम सुंदर हैं, मैं रोज इन्हीं की अर्चना करता हूं, और इसी से रज निकाल के माथे से, गले से, मुख में लेके, और इसी के सामने बैठ के सेवा करता हूं। ऐसी संत सेवा। बंधुओं, वैष्णव संत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, ब्रजवासी वृंद, इन सब में अवगुण देखना ये एक प्रकार से हमारी भक्ति का लेश है। हमारी भक्ति उसी दिन से कम होने लग जाएगी जिस दिन आप उनमें अवगुण देखो। ठीक है, किसी से हर तरीके के लोग, भाई रावण भी जब आया था सीता जी का हरण करने, संत ही बन के आया। तो आजकल कलयुग में बड़ा खतरनाक है, संत वेश में रावण भी घूमते हैं, परंतु हम इतने विवेकी तो बन सकते हैं कि हमारी दृष्टि पता कर ले कि कौन वास्तविक है कि कौन असाधारण है। सत्संग क्या करता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यही विवेक देता है सत्संग, कि हमारी दृष्टि पड़े और देखते ही हम समझ जाएं कि ये वास्तविक है। परंतु एक बात और बताएं, सत्संग इतना विवेक भी देता है कि यदि कोई पाखंडी बन के केवल संत घूम रहा है तो उसके प्रति भी हीन भाव ना आवे, उसकी भी भेष का सम्मान हो। क्या जानकी जी को नहीं पता था कि ये रावण है, खूब स्पष्ट उनको, वो जानकी है, राम वल्लभा है, उनको सब पता है, लेकिन केवल भेष के कारण सीता जी ने हरण करने दिया। रावण की ताकत कर ले ना, केवल भेष, सीता जी ने उसका सम्मान किया कि संत भेष में आया है। ऐसे बंधुओं, भेष का, स्वरूप का, और वास्तविक संतों का, इन सब का बोध सत्संग ही कराता, वही विवेक है, और यही विवेक राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है ठाकुर जी की कृपा है। संत वैष्णवों को देखो और उनको प्रणाम करो। तो भगवान कह रहे हैं
कि राजस भक्त जो होता है ये केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, मेरे वैष्णव संत वृंद भक्तों में कोई इसकी निष्ठा नहीं है। आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं, संत महात्माओं की बात कर रहे हैं। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीजी बाबा की सेवा करके जैसे ही निवृत्त हुए तो अपने कक्ष में बैठे थे, चार लोग रोते रोते उनके पास आए और रोते हुए कहने लगे, हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विमुख मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, कौन हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या सेवा करते हो तुम? नहीं हम बस, आप हमको सेवा से दूर मत करो, ऐसा कहकर के वे अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने चार दिन तक भोजन नहीं किया। सबने आकर के प्रणाम करके निवेदन किया, बोले भगवान आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, कारण क्या है? तब उन्होंने बताया, चार दिन पहले चार लोग आके रो रहे थे मेरे आगे, हमको सेवा से दूर मत करो। सबने पूछा कौन थे वो, बोले कि मुझे चिंतन में फिर बाद में समझ आया कि श्री जी बाबा की रसोई बनती है ना, तो उसमें चावल धोए जा रहे थे और धोते समय जब चावल का मांड अलग किया गया, पानी अलग किया गया, उसमें चार दाने चावल के भी नाली में चले गए और वे चारों रोते रोते मेरे सामने आए कि हमको सेवा से दूर मत करो, हम भोग लगी वस्तु को ऐसी छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये अन्न के कण भी, जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होती है। वह भी अपने जगन्नाथपुरी में जब 15 दिन के लिए महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होता ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद, उसके बाद वहां घर घर के लोग घर में भात बनाते हैं और भात बना के जहां से श्री मंदिर दिखाई दे वहां पत्तल पर, केला के पत्ते पर चावल भात रख के और भात को ही जगन्नाथ जी का रूप मान के उनके प्रणाम, महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद है। सोचो, यहां पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने वाली सब्जी दाल चावल तक को वैष्णव माना जाता है, ऐसी वैष्णव सेवा रीति है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, जो केवल मेरी मूर्ति से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूं, ये भी मुझे प्रिय नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यष्टव्यमिता वा पृथक् भावस्य सात्विकः। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। भगवान कह रहे हैं, जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है, कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं, केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी है। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में करते। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे, ठाकुर जी ने कराया है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत, ठाकुर जी बड़े कृपालु।
उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरे से बड़ी, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना। ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान हो के वाणी से सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में भागवत में लिखा कि वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया, आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी। वो चाहती थी कि आप सुनो और सुन करके जीवन में लागू करो। हमारा सुनना, सुनाना, चलना फिरना, हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली, आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले, हाँ प्रिय तो है पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को देख के, मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं। वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली, तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हो? तब ठाकुर जी बताते हैं, आह निर्गुण भक्त। मैया, ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण सहदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जैसा मैंने एक दिन कुम्मनदास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आके कान में बोले, चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सोई जग गए, बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं। जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था, कुछ भी विपरीत हो जाए, फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे। उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखे, बस वो जैसे भी हो, बस वो मेरे रहे, उनके बगैर मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता। ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए। अभी भरतपुर के भी यहां वैष्णव बैठे हैं, भरतपुर में कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी। एक भगवान के भक्त हुए, मदन मोहन जी के ही भक्त थे, काले खां। काले खां के विषय में कथा, इतनी सुंदर कथा काले खां की। एक विजातीय व्यक्ति, लेकिन केवल धन कमाने की भावना से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते थे काले खां। और मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठाकुर जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकते। अब तो दिन रात वहीं जाते। एक दिन काले खां की पत्नी बोली, अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी तुम्हारी इतनी आयु हो गई, हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो, उसके पीछे पड़े रहते हो, दूसरों का देवता है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? काले खां ठाकुर जी के पास गए, बोले नाथ भगवान, मुझे पुत्र की कामना नहीं है। बहुत सुंदर बात है, काले खां का चरित्र बहुत सुंदर है। मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं ये पत्नी की रोज की चिकचिक बंद हो। ये आपको दोष देती है और मेरी और आपकी भक्ति को दोष देती है, इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है ठाकुर जी।
उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो। देखो संतान किस भाव से मांगी है, कि नाथ मुझे संतान की कामना नहीं, पर मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो बोलना बंद करे, आपकी मेरी भक्ति में दोष देखना बंद करे। वो रोज कहती है आप खुदा से मांगो, इनसे मत। अरे आप ही मेरे खुदा हो, आप ही मेरे सर्वस्व, मैं आपके बगैर किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो कभी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए एक संतान दो। ठाकुर जी बंधुओं सब जानते हैं कि कोई चालाकी कर रहा है कि वास्तविकता है, वास्तविकता थी काले खां की, और ठाकुर जी ने काले खां को एक संतान प्रदान कर दी। घर तो नाच रहा था कि घर में संतान हुई, काले खां नाच रहे थे कि अब पत्नी का भगवान से कुछ नहीं बोलेगी। काले खां तो नाच रहे थे बड़े आनंद से, पत्नी बोली इतना नाच रहे हो, बेटे का मुख देखा? बोले देख लूंगा उसमें क्या जाता है। बोले तो पर नाच क्यों रहे हो, तू नहीं समझेगी, तुमने बेटा तो अभी तक देखा नहीं फिर भी नाच रहे हो। काले खां तो इसलिए नाच रहे थे ना कि कुछ बोले ना। 8 साल का हो गया बालक, लेकिन बंधुओं भक्त के जीवन में सब बढ़िया बढ़िया चले, ठाकुर जी को उसमें मजा नहीं आता, नमक मिर्च डालते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ करते जरूर है जिससे न तड़का लगे, छींक आवे। जैसे घर में मिर्च का तड़का लगता है, सब छींकते डोलते हैं घर के लोग हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर सब इजी इजी चल रहा है ना भक्त के जीवन में, तो इनको मजे नहीं आते, ये फिर मिर्च का तड़का मारते हैं उसमें, और फिर महाराज छींकता डोलता वो दर दर। काले खां के साथ वही हुआ। एक दिन काले खां मंदिर में खड़ा था, 8 साल का इनका बालक हो गया, यमुना जी के तट पर बालक खेल रहा था, और खेलते हुए उस बालक को एक काले सर्प ने डस दिया, और काले सर्प ने जैसे ही डसा महाराज, बालक दौड़े दौड़े काले खां के घर आ गए, काले खां की पत्नी को आकर के बताया। जैसे ही पत्नी को पता चला, पत्नी दौड़ करके बालक के पास गई, फिर बालक को अचेत अवस्था में देख काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में मदन मोहन जी के राजभोग दर्शन कर रहे थे, राजभोग दर्शन करते हुए पत्नी पहुंच गई, पत्नी ने आकर के कहा जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस दिया है, उसको अभी किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा, अभी उसका झाड़ा लगवाना पड़ेगा, उसका विष चढ़ जाएगा, हमारा पुत्र मर जाएगा। लेकिन काले खां तो सामने खड़े मदन मोहन जी को देख रहे थे, पीछे से पत्नी जब बोलने लगी तो काले खां के नेत्रों से आंसू निकले, लेकिन आंसू इसी शिकायत में निकले, तभी मैं कहूं इतना बढ़िया बढ़िया क्यों चल रहा है सब, लाल जी मिल गया चैन आपको, ये क्या कर दिया आपने। उनको ये चिंता नहीं थी कि पुत्र को सर्प डस गया, उनको ये चिंता थी कि अब पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं ठाकुर जी के दर्शन से फिर दूर हो जाऊंगा, और कहीं मेरे पुत्र के यदि प्राण निकल गए तो मेरा मंदिर मेरी पत्नी छुड़वा देगी, वो यहां तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आने देगी। खूब रोए मदन मोहन जी को देख के, पत्नी बुरा भला सुनाने लगी, अरे पूरे दिन इसी के सामने खड़े रहते हो, अरे जल्दी चलो तुम्हारे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे। काले खां जी दौड़े, अपने पुत्र को जाकर के देखा, अचेत अवस्था में पड़ा था, पत्नी ने कहा था किसी ओझा के पास ले चलो या किसी ओझा को ले आओ, लेकिन काले खां किसी को लेकर के नहीं आए, किसी वैद्य ने वहीं खड़े हुए उनके पुत्र को देखा और बता दिया, बोले कि इसके तो प्राण निकल गए, अब ये जीवित नहीं है। पत्नी क्रोधित हो गई और अपने बालक को लेकर के मदन मोहन जी के मंदिर गई और ठाकुर जी के सामने रख दिया अपने पुत्र को, और रख करके बोली, तुम बहुत कहते थे ना कि इन्होंने ही दिया है तुम्हारे पुत्र को, इन्होंने दिया है तो यही जीवित कर दें इसको। तब काले खाने कुछ पंक्तियां गाई और उन पंक्तियों को गाते हुए कहा, नाथ, अंतिम पंक्ति उसकी बड़ी सुंदर है, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं,
पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। हे नाथ, यदि आप केवल हिंदुओं के ठाकुर जी हो तो कोई बात नहीं, पुत्र मर गया सब सहूंगा, आपका दर छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने तो लोगों को आपको जगन्नाथ बोलते हुए सुना है, जगतनाथ बोलते हुए सुना है। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। मेरे पुत्र को जीवित इसलिए मत करो कि मेरा पुत्र है, इसलिए कर दो कि कहीं मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो जाए। और ऐसा कहते ही काले खांके सामने अचेत अवस्था में मुख से झाग निकल रहा था, पुत्र के विष लग गया था। जैसे ही ये बात कही, इतने में ही पुत्र उठ करके बैठ गया। पुत्र के बैठते ही सब लोग वहां पर जय जयकार करने लगे। पुत्र खड़ा होते ही अपने पिता के पास गया। पिताजी, पिताजी, काले खां ने बोला, हाँ कहो। बोले कि वो कहाँ चला गया? बोले कौन? बोले एक बालक आया था, एक बालक मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था, मैं उसी की गोद में लेटा हुआ था, बड़ा सुंदर था, उसके कटाक्ष नेत्र थे, बड़ी सुंदर मुस्कान थी, उसमें से बड़ी प्यारी सुगंधी आ रही थी पिताजी, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था। वो बालक कहाँ चला गया पिताजी? मुझे तो उसी के साथ खेलना है। काले खा के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा, आओ गोदी में बैठो, दिखाऊं वो बालक कहाँ है। गोदी में बालक को लेकर के द्वार से ही मदन मोहन जी को दिखाया, वो रहे। सामने देखते ही बालक निहाल हो गया, बोले कि हाँ यही आए थे, यही मेरे को गोदी में लेके बैठे थे। बंधुओं, सांसारिक लोगों के लिए ये विषय बड़ा बड़ा कठिन है, परंतु भक्तों के लिए ये विषय सर्वश्रेष्ठ है। क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता, उसका सर्वस्व में हूं। कृष्ण धन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो में कृष्ण ही सो काम। वो उठते भी इसलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे, वो सोते भी इसलिए कि कल पुनः उठकर के कृष्ण को देखना है, वो भोजन भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण प्रसाद है, वो श्वास भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें श्यामा श्याम के दर्शन करने हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल मेरे लिए ही रखते हैं, इसके अलावा मेरे से अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं होती। मैया वो निर्गुण भक्त और ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम धर्मण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा गाव भाव से बंधु, हमको आज विश्राम है इस उत्सव का, जितनी याचना करनी आज कर लो। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। एक हमारी ये माता जी नागपुर वाली कल आई, इन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हम नागपुर में जहां से आए वहां पे सब रस में शराब हो, पर यहाँ जब आए तो यहाँ पे सबकी इच्छा तो थी लेकिन था नहीं।
तो क्या किया, बोले हमने यहाँ सबको फिर गवा गवा के सुना सुना के सबके अंदर एक भाव प्रकट किया। मतलब यही बात है, मुरली की धुन वहां आ रही थी, यहाँ नहीं थी, तो हमने यहाँ भी बजवाना शुरू किया। मुरली की धुन क्या है बंधुओं? ये कथा क्रम, ये वैष्णव चर्चा, ये भगवत लीला गुणानुवाद, यही वंशी की धुन है। वास्तव में कलयुग में वंशी धुन क्या है वैष्णवों की और हमारे ब्रज के या पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट कथा वक्ताओं की कथा, ये वंशी की धुन ही है। ये कथा ही धुन है ठाकुर जी की वंशी की। जिस प्रकार द्वापर में कृष्ण वंशी बजाते तो वो वंशी की ध्वन गोपियों के चित्त के सारे तिमिर दूर कर देती थी, आजकल ये कथा सबके हृदय के तिमिर दूर करती है। तो ये वंशी से कम है क्या? इसलिए हम तो वहीं रहेंगे जहां कथा है। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे हम, उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। मन की ममता को खींचे चली जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही। हे नाथ, इस मोह माया की नदिया के या तो हम बिल्कुल बीच में पड़े हो, मतलब पूरे मोही, पूरे कामी, क्रोधी, लोभी सब है हमारे भीतर, या फिर भले ही हम इसके किनारे आ गए हो, नाथ हम भवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष
नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे नित्य घन श्याम नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे श्याम रसनाय कहती रहे नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे हम उन्हीं के रहे हम सदा उन्हीं के बने रहें और वे भी सदा केवल हमारे बंधुओं गोपियां यही कहती हैं रास पंचाध्याय में। एक बार जब ठाकुर जी ने उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाए ना तो गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं पति को नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों की सेवा सदा करनी चाहिए और माता पिता का घर और ससुराल इनकी निष्ठा बात बताने लगे पतिव्रता नारियों की गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। जैसे ही बात पूरी हुई पूरी होते ही गोपियां सब बोली अब हम बोले भगवान बोले बोलो बोले आप हमको क्या समझते हो हम कोई व्यभिचारिणी है अपने पतियों को छोड़ के आपके पास कोई व्यभिचार के कारण थोड़े आई हैं हम नाथ हमें आपके स्पर्श की भी अभिलाषा नहीं आप हमसे मिलो ऐसी भी हमारी आकांक्षा नहीं आप हमको सदा अपने पास रखो ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं तो भगवान बोले फिर क्या चाहती हो बोले केवल आप कह दो कि हाँ जैसे तुम मुझे अपना मानती हो मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं बस ये सुनने के लिए आई हैं हम जीवन भर उसी परिवार के साथ रहेंगी उन्हीं बच्चों की सेवा करेंगी उसी पति को ही अपना सर्वस्व मानेंगी पर हमारा प्रेम केवल इस बात पर स्थिर है हम केवल ये जानने आई आपने हमको स्वीकार किया कि नहीं नाथ हमारा प्रेम कोई सांसारिक प्रेम थोड़ी है हम बस आपसे ये दो शब्द सुनना चाहती हैं जैसे हम कहती हैं आप हमारे ऐसे आप भी कह दो तू भी मेरी तू भी मेरा बस आप भक्ति से क्या अपेक्षा रखते हो बंधुओं ठाकुर जी प्रकट हो जाएं प्रकट होके आपके संग रहें परेशान हो जाओगे इतनी सेवा तो तब करनी पड़ रही है जब ठाकुर जी बोलते चलते नहीं है सोचो ये चलन लगे बोलन लगे आप कथा सुन के घर गए तो देखो पूरा घर उजड़ो पड़ो कौन बोले मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए घर में आज कढ़ैया उल्टी पड़ी है गैस सिलेंडर उठा के फेंक दिए नीचे ठाकुर जी तो ऐसे ही उदम मचावे में अब द्वापर में सिलेंडर वगैरह नहीं थे नहीं तो गोपी इनके घर में विस्फोट होते ठाकुर जी बहुत उद्यमी है ये चलते फिरते बोलते नहीं है तब तो इतनी सेवा करनी पड़ती है सोचो ठाकुर जी चलने लगे बोलने लगे सब क्रिया करने लग गए कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी हम पे दया करते हैं इसलिए बोलते नहीं चलते नहीं क्यों बेटा यही दया मान लो कि हम बैठे हैं एक जगह स्थिर होके हम ज्यादा ही हमने चलन फिलन शुरू कर दिया तो परेशान हो जाओगे तो आप क्या अपेक्षा रखते हो अपनी सेवा से बंधुओं यहां सब सेवक गण अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो सेवा करते अपने घर में नाम जप करते हैं ठाकुर जी की सेवा करते हैं भोग लगाते हैं इसलिए यहां की कथा का विषय अधिकतर भक्ति परक है
क्या अपेक्षा है आपकी ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रकट हो जाएं? नहीं, हमसे पूछो तो हमारी एक ही इच्छा है, नाथ कभी स्वप्न में या कभी अनुभव में या कभी संकेतिक रूप से केवल आप इतना हमको बता दो कि हाँ मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, बस ये सुनने के लिए हम सेवा कर रहे हैं नाथ। हमारी इच्छा है नहीं कि आप आओ। गोपियों का ये प्रेम देखो ना, रास पंचाध्याय में गोपियां कहती हैं आप हमको जीवन में कभी मत दिखो, हम तब भी जीवित रहेंगे। नाथ हम आपसे कोई कामना करते नहीं संसारिक, हम तो केवल ये सुनने आई हैं कि आप भी हमसे प्रेम करते हो ना, बस इतना कह दोगे वही हमारे लिए काफी है नाथ। हमको व्यवचार नहीं मत समझो आप, हमारी भी भक्ति से यही अपेक्षा होनी चाहिए कि नाथ हम तब तक आपको रिझा रहे और आगे भी रिझाते रहेंगे, बस बीच में कभी संकेत कर देना कि हाँ मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, अप्रसन्न हूं ये भी मत, बस इतना बता दो आप मुझे अपना मानते हो ना, बस ये अपेक्षा है। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, क्या एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। बस एक इच्छा है बस। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं मैया लक्षणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग के सारे लक्षण जिसके अंदर हैं, और जो अहेतुकी भक्ति करता है मेरी, अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं बंधु, चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए फिर भी ठाकुर जी का जो प्रेम विश्वास हृदय में है वो डगमगाए ना। बंधुओं विषम स्थिति आती हमारा सबसे पहले विश्वास खत्म होता है ठाकुर जी से, जो हम चाहते हैं वो ना हो ऐसी स्थिति होते ही सबसे पहले विश्वास खत्म होता है, और विश्वास खत्म होते ही हमारी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी कहते हैं भाई अहेतु की भक्त कैसा होता है, चाहे कुछ हो जाए जीवन में उसके बाद भी कभी मेरी भक्ति उसके हृदय से जाए ना, ऐसा अहेतु की भक्त मुझे प्रिय है। हम शिकायतों में लगे रहते हैं, आपने जे नहीं किया ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, जे नहीं कर रहे, पर वैष्णव का स्वभाव कैसा बंधुओं कि अगर विपरीत स्थिति भी जीवन में आई है ना तो उसको भी किसी ना किसी रूप से भगवत कृपा समझे। जैसे सूरदास, नेत्र नहीं थे, सूरदास जी को सब लोग जाके कहते तुम 24 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, ठाकुर जी ने तो तुम्हारे साथ कितनी निष्ठुरता की, आंख तक नहीं दी तुमको, बताओ ठाकुर जी कितने निर्दयी बन गए तुम्हारे लिए, दुनिया को देखने के लिए आंख दी तुमको आंखें नहीं दी, फिर भी तुम उस भगवान का इतना भजन करते हो। सूरदास मुस्कुराए, बोले अरे लाला तू अभी ठाकुर जी के रूप को समझा नहीं। बोले कैसे, क्या रूप है? बोले रूप ऐसा है भैया, हम किसी को वस्तु देते हैं, क्यों देते हैं, जैसे माँ बाहर बाजार जा रही है तो बाजार जाते समय दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों में से किसको घर की चाबी देके जाएगी, बड़े पुत्र को, क्यों जिम्मेवार है, छोटे पुत्र को चाबी भी नहीं देगी, वो कहो तो अपने संगे ही ले जाए गोद में, क्यों बालक है अभी अबोध है। बोले हम जिम्मेवारी किसको देते हैं, जो बुद्धिमान हो उसको देते हैं, लेकिन जो गैर जिम्मेवार है जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं अबोध बालक है मैया उसको गोद में लिए फिर घूमती रहती है। बोले अभी छोटा बालक है कुछ भी खा जाएगा कहीं भी गिर जाएगा। बोले भैया ऐसा ही हुआ है, तुम सबरे जिम्मेवार हो इसलिए ठाकुर जी ने तुमको आंख दी, भैया गड्ढा आवे तो संभल के चलना, ऊंचाई आवे तो फलांग के चलना, हाँ रस्ते कैसे भी आए अपने आप देख के चलना, जिम्मेवारियां हैं तुम्हारे पास, पर मेरी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी बोले ये गैर जिम्मेवार है इसको तो मैं ही गोद में लेके चलूंगा, इसलिए मुझे तो आंखें ही नहीं दी है, मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं आगे आगे। बोले भैया लाला सूरदास तू अपने आप चलेगा गिर गिरा जाएगा, चल तेरी उंगली पकड़ के मैं चलूंगा, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए, तुमको नेत्र दिए मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ, गड्ढे में गिरे तो गलती तुम्हारी मानी जाएगी, पर मेरे को नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने, क्यों? बोले अरे तो मैं रास्ता बताऊंगा तू मेरी उंगली पकड़ के चल। वाह, ऐसे बंधुओं जीवन की हर स्थिति
हर परिस्थिति। वैष्णव का स्वभाव है वो उसमें भगवत कृपा ही समझता है। आज अभी इस कथा के बाद ही चिंतन कीजिए, हमारे साथ क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये अनुचित हुआ, अब उसको आप कृपा में परिवर्तित करो, ये कृपा थी ठाकुर जी की, ऐसा विचार करो हृदय में और देखना फिर आप वो कृपा ही लगेगी। उसके बाद उस भाव का जब चिंतन करोगे तब तब नेत्रों में सजल आंसू आ जाएंगे कि ये कृपा है ठाकुर जी की। अहेतुकी भक्ति, किसी भी प्रकार के क्रम से, किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था से उसका हृदय कभी विचलित ना होता हो, ये मेरे भक्त का लक्षण। मैया ऐसे निर्गुण भक्त मुझे बहुत प्रिय। क्यों? बोले कि ऐसे निर्गुण भक्त जो सदा सर्वदा अपनी बुद्धि मन स्थिति सब में मुझको बिठा के रखते हैं, मेरी भी मन बुद्धि स्थिति में फिर वही रहते हैं, उनकी सब क्रिया फिर मैं निश्चित करता हूं, सुनिश्चित करता हूं कैसे क्या होनी चाहिए। एक भक्त का आज स्मरण करा रही थी सुबह, अभी आ रही है स्मृति उसी की। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाता था एक बालक। उस बालक को मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था। बंधुओं एक बात बताएं, ये हमारे मंदिरों में गैर लोगों का प्रवेश आदि बीच में बंद क्यों रहा, कई मंदिरों में आज भी बंद है? क्योंकि लोग जाते भक्त बन के और मंदिरों में जाकर के फिर कुछ अनुचित कृत्य करते थे, इसलिए बीच के कुछ कालों में, क्योंकि मुगल जब आ गए थे ना भारत में तो ये क्या करते थे, अपने सैनिकों को ब्राह्मण बना के भेजते थे मंदिर में, त्रिपुंड लगा के चोटी वोटी रखवा करके तब भेजते थे, और वही ब्राह्मण वेश में गए हुए मुगलों के सैनिक गौ मांस बांध के ले जाते और मंदिरों में जाके गौ मांस फेंके आते, ठाकुर जी पे जाके चढ़ाए आते, अनुचित कर आते, तलवार आदि छुपा के ले जाते, मंदिर में जाके तोड़ फोड़ मचा देते। इसलिए फिर बड़े बड़े मंदिरों में नियम बना दिए गए, इनका प्रवेश उचित होगा, इनका अनुचित होगा, ये जाएंगे, ये सब हुआ। बंधु हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म तो बड़ा सामंजस्य वाला धर्म था, ये तो विकृतियां आई हैं बीच में, हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे हैं आपको पता, 1000 वर्ष से ज्यादा गुलाम रहा है भारत। ये गुलामी का परिणाम, गुलामों से बचने के लिए हम लोगों ने ये सब नियम बनाए, जो मंदिरों में आज कई जगह इन पर प्रश्न उठाया जाता है, ऐसा क्यों है मंदिरों में, इतना भेदभाव क्यों है, ये क्यों, वो क्यों, ये सब पहले नहीं था, ये बाद में जबरदस्ती स्थिति बनी इसलिए करना पड़ा। तो एक झाड़ू लगाता था गिरिराज जी में, उसको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वो क्या करता था, बाहर बैठ जाता था और मंदिर से आने वाले सारे वैष्णवों से पूछता था, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा ही चरित्र आता है ताज बेगम का। ताज बेगम अकबर की पत्नी हुई, उनको भी ठाकुर जी इतने प्रिय लगते थे पर मंदिर में प्रवेश नहीं होता था। तो प्राचीन काल में भारत में खिड़कियां होती थी मंदिरों में, वहां खिड़की से जिनको अंदर प्रवेश नहीं वो वहां से दर्शन करते थे। ताज बेगम को कई जगह दर्शन नहीं होता तो बाहर बैठ जाती और दर्शनार्थियों से पूछती कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। आहा, उसी का चिंतन करके अपने चित्त में और फिर एक सुंदर चित्र बनाती और चित्र बना करके दर्शनार्थी से पूछती भैया बस एक बार देख के बता दो ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। तो दर्शनार्थी कहते हो रे तुम तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भीतर के ठाकुर जी का चित्र खींच लाई हो, इतने सुंदर प्रत्यक्ष जैसे ठाकुर जी भीतर होते थे वैसा चित्र बना देती थी ताज बेगम, अंदर तो जा नहीं सकती, सुन करके चित्र बनाती थी। और स्थिति ऐसी पहुंच गई ताज बेगम की कि करते 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 अब तो ये हो गया था कि ताज बेगम बिना पूछे चित्र बनाती और चित्र बना के केवल अपने प्रेम के प्रमाण के लिए दर्शनार्थी से पूछती क्या ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही धर रहे हैं। अरे हमारी भी दृष्टि नहीं गई, तुमने जो जो माला पहनाई है ये भी ठाकुर जी ने पहनी है। तब ताज बेगम के नेत्र सजल होते कि अब मेरे चित्त में ठाकुर जी बैठ गए, मतलब जैसा मैं सोचती हूँ ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार करते हैं।
ताज बेगम की इस कथा से हमने एक चीज सीखी, आपको बताएं, आप भी किया करो। ठाकुर जी के कभी मंदिर में जाओ ना तो पहले ही बाहर से सोच के जाओ, ठाकुर जी अगर आज आपने मुकुट पहना होगा और उस मुकुट पर मोर पंख लहरा रहा होगा, नीचे सोने की मोती की लर लग रही होगी, या आपने आज नीला वस्त्र पहना होगा या पीला होगा या ऐसा पटका डाल रखा होगा, कुछ भी पांच छह चीजें सोच लो, इनमें से कुछ भी मिल गया तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी आप हमसे प्रेम करते हो। मैं तो बहुत करता हूं ये, राधारमन जी जाऊंगा पहले सोच लूंगा आज ठाकुर जी ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे, नीले वस्त्र पहने होंगे, पीला पटका। अच्छा हम बड़े चतुर हैं, हम सोच भी दस पांच चीज लेते हैं तो एक आध मिल ही जाती है। हम क्यों ये बात स्वीकार करें कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार नहीं किया, हम तो हर अद्भुत के ठाकुर जी हमको मानते ही हैं अपना, इसलिए बहुत सारी चीजें सोच लो। पर एक बात बताओ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने पांच चीजें सोची और पांचों मिल गए, आप विश्वास नहीं मानोगे उस समय की स्थिति, ऐसा लगा मानो आकाश में उड़ गया हूं मैं और कोई नहीं मंदिर में, बस राधारमन जी और मैं खड़े। तो कभी भी दर्शन करने जाओ ठाकुर जी का, पहले विचार करके जाओ, ठाकुर जी आज आपका श्रृंगार ऐसा होगा, ऐसा पटका पहना होगा, ऐसा होगा, या श्रृंगार के अलावा हर रोज श्रृंगार भी नहीं, कभी कभी ऐसे सोच के जाओ आज गोसाई जी की अगर मुझ पर दृष्टि पड़ गई, उन्होंने मुझे तुलसी दे दी, उन्होंने मुझे माला पहना दी, उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया, कुछ भी हुआ तो समझूंगा कि आप मुझसे राजी हो। लेकिन इसके लिए एक सावधानी पहले ही बता दूं, अगर आपने जो सोचा वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो उदास भी उतने ही हो जाओगे मंदिर में, उदास मत होना, कोई बात नहीं ठाकुर जी आज स्वीकार नहीं, कल करोगे, अगली बार आएंगे तब करोगे। नाथ द्वार में जब हमारे लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ, हम श्रीनाथ जी दर्शन करने ही पहली बार 2019 में गए थे, अभी क्या चल रही है 2023, पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन मैंने अपने जीवन में 2019 में किया, और प्रथम दर्शन करने के लिए जब गया तो लाल जी के सामने जब मैं खड़ा हुआ तो वहां बाहर वैष्णव थे, वो सब मुझे बोले ये बोई वाले भैया हैं जिन्होंने गोवर्धनवास सांवरे गाया है। मुझे नहीं पता था ये पद वैष्णवों को इतना प्रिय है, मैं तो बस नाना जी की आज्ञा थी तो मैंने गा दिया। लेकिन नाना जी एक बात बोल के गए, बोले कृष्णदास जी ने जब ये पद गाया चतुर्भुज दास जी ने, तो ठाकुर जी ने उनको आज्ञा की कि इस पद का नित्य गान करने वाले को मैं निश्चित प्राप्त हो जाऊंगा। अब वो बात नाना जी की हमने सुन ली थी, लेकिन उसका कोई ऐसा भाव नहीं था। पहली बार नाथ द्वार दर्शन करने गए, उसके पीछे भी कारण ये था, हमारी सबसे छोटी बहन का ब्याह हुआ पुष्टि मार्गीय परिवार में, और वहां नियम है कि विवाह होते ही दंपति नाथ द्वार प्रणाम करने जाते हैं, तो वे प्रणाम करने जा रही थी, उनका मुझ पर फोन आया, बोले तुम कहां हो, मैंने कहा मैं अहमदाबाद हूं, बोले वहां से आ जाओ, चार घंटे लगेंगे, मैंने कहा ठीक है, हम कभी गए भी नहीं नाथ द्वार, चलते हैं। प्रथम नाथ द्वार दर्शन करने गया और सब बाहर से कह रहे थे, बोले भीतर वो पद जरूर सुनाना भैया गोवर्धनवास सांवरे, मैंने कि सुना दूंगा। जैसे ही मैं ठाकुर जी के श्री जी बाबा के सामने गया, मुझे लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया बालक खड़ा है सामने। और उस समय पद की दो पंक्तियां गाई ठाकुर जी के आगे, और पंक्ति गाने के पश्चात बस मन में ये भाव आया, लाल जी आप ब्रज से दूर क्यों आ गए, वृंदावन से नाथ द्वार पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, इतने दूर बैठे हैं। मैंने कहा अरे ब्रजवासी से ऐसो कहा बहर इतनी दूर आके बैठ गए हो, लाल जी हम ब्रजवासी खूब सेवा करेंगे, चलो वापस हमारे संग। ये भाव अपने आप मन प्रथम दर्शन में आया, और उसी का परिणाम बाहर आए, एक वैष्णव ने कहा महाराज जी आपका एक तोहफा हमारे पास है, मैंने लाओ दो, और वो हमको गिरधर लाल जी दे गए, बोले लो ये अब आपके संग सदा विराजेंगे। मैंने कि मुझ पर श्रृंगार का शव भी नहीं आता, बोले ये सब करा लेंगे आप ले जाओ बस, आज तक विराज रहे हैं। मैंने तो कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उस पद का ही परिणाम गोवर्धनवासी सांवरे पद का, कि ठाकुर जी पधार गए। मुझसे कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपके जैसे ठाकुर जी चाहिए, मैंने कि बेटा
ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने कि बेटा पहले प्रेम करो, मैंने कि यूं मत पूछा करो कितने के लाए कहां से लाए, तुम प्रेम करने लगो ये खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। और मैंने कहा ये जो पद है ना गोवर्धनवासी सांवरे, इसका नित्य गान करो। बस भोग लगाते समय, शयन कराते समय, श्रृंगार करते समय मत गाओ, क्योंकि इससे ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी को याद आती है ब्रजवासियों की। तो श्रृंगार हो जाए, भोग लग जाए, उसके बाद ठाकुर जी खाली बैठे तब ये पद सुनाओ। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और आपने पद गा दिया, रात भर बेचारे रोमेंगे, सुर सुर करेंगे नाक से ब्रजवासिन की याद में। इसलिए ये पद तब सुनाना जब ठाकुर जी अवकाश में बैठे हो, खाली हो, कोई लीला नहीं कर रहे हो। लेकिन ये पद बंधुओं रोज सुनाओ अपने ठाकुर जी को। हम आपको विश्वास से कह रहे हैं, हमारे पास तो लाल जी पधार गए, आपके पास प्रत्यक्ष लाल जी आ जाएंगे, ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। भक्ति क्या है बंधुओं? चुंबक है, और चुंबक में जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे नाम जप और अपने साधना से, उतनी जल्दी ये चुंबक का आकर्षण करने वाले ये जो लाल जी हैं, ये दूसरी चुंबक हैं, ये आपकी चुंबक से आके ऐसे चिपकेंगे कि छूटा है ना छूटेंगे, फिर तो लिपट ही जाएंगे, एक ही है जाएंगे फिर। तो मैं क्या बता रहा था, नाथ द्वार में मैंने पहला उत्सव किया ठाकुर जी का, तो उसमें मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता था और श्रृंगार करके 9 बजे आके मंच पर बैठ जाता था, दर्शन नहीं कर पाता। दर्शन करने जाता था मैं शाम को उत्थापन के, तो पूरे दिन उत्सव रहता था। लेकिन एक वैष्णव बालक को सेवा दे रखी थी कि तुम हमारी तरफ से दर्शन करके आया करो, राजभोग में लाल जी का जो दिन का उत्सव होता है ना वो राजभोग में धारण करते हैं। तो प्रथम दिन वो दर्शन करके आया, आकर के बताया, बोले महाराज, मैंने कि कैसे आज श्री जी बाबा कैसे लग रहे? बोले आज ठाकुर जी ने नीलो पिछोड़ा पहनो है, ऐसे पीछे अपने ऐसे धारण कियो है, इतनी सारी माला पहनी है, ऐसा चौकटा है, और ठाकुर जी आज कांच की हटरी में बैठे हैं। और संभवतः उस दिन हमारे लाल जी भी नीले पिछोड़ा में, कांच की हटरी में, वैसो ही श्रृंगार, वैसो ही मुकुट। मैं कही यार ये तो मैंने कही कि तू श्री जी बाबा के दर्शन करके आई, तू हमारे लाल जी के क्यों करके आयो? बोले मैं लाल जी के नहीं, मैं श्री जी बाबा के करके आया हूं। मैंने कहा ये कैसे होगा, मैं तो सुबह अपने लाल जी को ऐसे बनाया, और शाम को जब मैं उत्थापन में जाता तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता कि लाल जी वैसे ही बैठे जैसे हमारे लाल जी। मैंने कहा चलो आज प्रथम दिन ठाकुर जी ने एक जैसा श्रृंगार कियो, बिना पता, मुझे पता नहीं था, फिर भी ठाकुर जी का एक सा श्रृंगार। तो मैंने कि चलो लाल जी प्रसन्न है इस उत्सव से। अगले दिन हमने ठाकुर जी को लाल पिछोड़ा धराया, और अगले दिन मोतियों की हटरी में हमारे लाल जी बैठे। मैं दर्शन कथा करने आ गया, कथा करवे के बाद मैं वो बालक फिर मिला। मैंने कहा हाँ भाई आज ठाकुर जी कैसे लग रहे? बोले आज श्री जी बाबा ने लाल पिछोड़ा पहनो है और मोती की हटरी में विराज रहे। मेरे हाथ पांव कहां पे? मैंने कि भाई तू यार तू सही सही बता। बोले सही बता रहा हूं महाराज जी। और शाम को फिर उत्थापन में मैं दर्शन करने गया तो वैसे ही ठाकुर जी। मैंने कहा ये कुछ तो बात है। अगले दिन मैं सोच के बैठा, मैंने कि आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा जो श्री जी बाबा धारण इन दिनों में करते ही नहीं है, तब पता चलेगी। और हमने अपने ठाकुर जी को सेहरा बांध दिया, दुल्हा बना दिया अपने लाल जी। मैंने कि अब ये जर्वनी के समय अब काय को सेहरा पहनेंगे ठाकुर जी। और उस दिन ठाकुर जी नीली हटरी में विराजमान हुए। अब मेरे कथा में कम मन लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो, मैं उससे पूछूं कि आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। कथा पूरी करके जैसे ही मैंने पूछी, मैंने कि भैया एकांत में ले जाके मैं जल्दी बता, बाहर लोग खड़े प्रणाम करोगे, मैंने तुम खड़े रहो, तू बता पहले ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। बोले आज श्री जी बाबा ने सेहरा पहना है। जैसे ही उसने ये बात कही, मैं सत्य बताऊं नेत्रों से अविरल अश्रुधार, नीली हटरी में ठाकुर जी विराज रहे। अभी भी सोच रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, नेत्र सजल हो रहे, कैसे कृपालु नाथ। तो
ये रीति थी। ताज बेगम, उसको अंदर प्रवेश नहीं था मंदिर में, तो बाहर से अपने हृदय का चित्र बनाती थी और पूछती थी दर्शनार्थियों से, ऐसे ठाकुर जी दिख रहे हों तो मैं मानूं कि ठाकुर जी मेरे चित्त में। और जब दर्शनार्थी आके बताता, बोले ऐसे ही दिख रहे हैं ठाकुर जी। नाचने लगती ताज बेगम। बंधुओं, हमारी भक्ति यहीं तक सीमित रहे, हमें मिलना नहीं है ठाकुर जी से, हमको ये छोटे छोटे अनुभव से ही हम जी लेंगे पूरा जीवन। हमको प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा नहीं है, बस आप इन इन भावों से, छोटे छोटे भावों से अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं ना कि हाँ मैंने तुझे स्वीकार कर लिया, बस मुझे उसी में सुख है, हमें उसी में सुख है। तो झाड़ू लगाने वाला एक वैष्णव गोवर्धन में झाड़ू लगाता, दर्शन नहीं कर पाता था। दर्शनार्थी ऊपर से आते, उनसे पूछता था आज पगड़ी कैसी, आज माला कैसी, आज श्रृंगार कैसा। और जैसा वो बताते, नीचे रज में ठाकुर जी का वैसा मुखमंडल बनाता, वैसी पाग बनाता और वैसा ही माला आदि धरा के, और फिर रज में बनाई गई अपनी कलाकृति को श्री जी बाबा समझ के प्रणाम करता, बोले जय हो, आज ऐसे दिख रहे हो। एक दिन ठाकुर जी के हृदय में उससे मिलन की कामना उत्पन्न हुई, और जैसे ही उससे मिलन की कामना उत्पन्न हुई, तो राजभोग के बाद जब सब दर्शन करके चले गए, पूरा गोवर्धन खाली हो गया, सब लोग जाकर शयन चले गए, दो एक दो बजे सब सो जाते हैं दोपहर में, उस समय भी वो झाड़ू लगाने वाला वहीं बैठा, रज में जैसी उसने आकृति बनाई थी ठाकुर जी की, उसी का दर्शन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, आज ऐसा पिछौड़ा होगा, ऐसी पाग होगी, ऐसे कुंडल होंगे, ऐसी माला होंगी, और बस इसी प्रकार से चिंतन कर रहा था। तभी नेत्र खोल करके उसने ऊपर गिरिराज पर्वत पर जब मंदिर के पास देखा, तो ठाकुर जी की मोतियों की माला चमक रही है, पिछोड़ा चमक रहा है, सिर का मुकुट चमक रहा है, और ठाकुर जी जैसे वो एक पांव से उछल के बालक खेल खेलते हैं ना, खाने खाने बना के एक एक पांव से कूदते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ उसको ती बोलते हैं। हाँ, सब जगह अलग अलग है, वो ऐसे डालो फिर एक पांव से पकड़ो, कब से तो खेला ही नहीं, बचपन में खूब खेलते थे। हाँ, अब की बार लाल जी के उत्सव में एक दिन वो खेल भी खेलेंगे। हम लाल जी के उत्सव में सब करवाएंगे, लाल जी खूब प्रसन्न रहे। तो ऐसे श्रीनाथ जी अपनी एक टांग पे उछल रहे थे गिरिराज पर्वत पे, एक पांव पे उछल रहे, एक पांव ऊपर कर रखा, और पांव पकड़ के वो करे, अरे कोई आइयो भैया, मेरे कांटो लग गयो, मुंह को बहुत पीड़ा है, रही है ना, जल्दी आओ। अब वो नीचे बैठा वो बालक, वो देखे ये कौन है, अरे ये तो मुकुट धारण किए हैं, ऐसी सुंदर बेनी गुथी भई है, इतनी सारी माला पिछोड़ा, अरे ये तो ठाकुर जी जैसा श्रृंगार है, ये कौन है? दूर गिरिराज पर्वत पे ठाकुर जी कूद रहे हैं। ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको सारे क्यों बैठो बैठो, देख कर रहो, जल्दी ऊपर आ, देख मेरे कांटो लग गए या को निकाल। वो घबरावे, इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, वो कोई नहीं है। ऊपर ज्यो ज्यो समीप जावे ठाकुर जी की, ज्यो ज्यो कमल नैन ठाकुर जी सुंदर, थोड़ी को चुबुक चमक रहे है, माथे को रोरी को चंदन चमक रहे है, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छटा देख करके जैसे जैसे सिद्धि पे ऊपर चढ़े, त्यों त्यों मूर्छा आती उसको, वो मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता, फिर मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता। ठाकुर जी के अति समीप पहुंच गया, वही मूर्छित हो गया। ठाकुर जी ने सिर पर हाथ फेरा, होश में आया, बोले लाल जी आप ही हो? बोले हम भे मैं ही हूं लाला, मैं तुको या मारे बुला रहा हूं, मेरे ना कांटो लग गो पा, मैं जल्दी चल निकाल दे याकु। ठाकुर जी जिन चरणों को किसी को नहीं देते, सीधे उसकी गोद में पधरा दिए, ले चरण थे कांटो निकाल दे। उसके हाथ कांप रहे, मुख कांप रहा है, वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, कहां ठाकुर जी कांटे लगे। ठाकुर जी बोले पामन के तलवा को ऐसे हाथ से मल के देख, वहां मिलेगा। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के तलवे,
जहां पर बज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल। देवता आदि कहते हैं जिसका स्पर्श किसी को प्राप्त नहीं होता वो उस झाड़ू लगाने के वाले की गोद में दे दिया। बोले ले धूड़ी भैया कांटो कहां है, वो देख रहा है तभी उसको मिला। बोले हाँ जय जय मिल गए कांटो। बोले इसको निकाल दे। कोमल ठाकुर जी के चरण बिल्कुल कमल जैसे चरण, निकाले उंगली से निकाले नहीं और भीतर चलो। अरे दारी के तने तो और भीतर घुसाए दियो, अब मुंह को और पीड़ा है रही है। बोलो ठाकुर जी कैसे निकालूं। बोले ऐसे ना निकलो, सुन तू पाम पकड़ के और अपने दांतन से निकाल। बोलो मेरे प्राण निकल जाएंगे नाथ, इतनी कृपा मत करो। बोले तू तेरे प्राण ना निकलेंगे, मेरे निकल रहे हैं, जल्दी निकाल। जबरदस्ती कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो कोई कांटा लगा थोड़े ही है, बस उस पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। उसके मुख के पास अपने चरण दे दिए और वो अपने दांतों से ठाकुर जी के कांटे को निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले चल अब मुंह को लेके चल। बोले कहां चलना। बोले आज गोविंद गोविंद दास अपनी खिड़क में दाल बाटी बना रहा है, बाकी दाल बाटी खावे जाऊंगा मैं, चल ले चल मुंह को। अरे ठाकुर जी ये सब गोविंद दास आदि अष्ट सखा ये लोग बड़े अपरस में रहते हैं, शुद्धता पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं, आप मेरे से छुप गए हो ये भी इनको पता चल गई तो मुझे मार देंगे महाराज जी। ठाकुर जी बोले तेरे संग मैं हूं ना, चिंता का करे, चल अपने कंधा पे बैठा ले। ठाकुर जी उसके कंधा पे बैठ गए और सिर पकड़ लिया और वो लेकर के जा रहा है। सोचो छवि कितनी सुंदर, एक नन्ना सा झाड़ू लगाने वाला बालक अपने कंधा पे श्री जी बाबा को लेके जा रहा है और ठाकुर जी उसको बता रहे हैं सुन 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 देख वो गोविंद स्वामी की खिड़क आ गई है। बोले हाँ वो तू यही यही मुंह को उतार दे और तू यही छुप जा, मैं जा रहा हूं और सुन यही रुक जाइयो, तेरे का जो बाटी मैं ले आऊंगा तो भी भूख लगी होगी। ठाकुर जी उतर करके गए, गोविंद स्वामी कदम खंडी में जाकर के बैठे। गोविंद दास बोले आ गए जय जय। बोले हाँ आगो। अच्छा ये लीलाएं सबको नहीं पता होती थी, होती थी अष्ट सखाओं के साथ। राजभोग के बाद ही ठाकुर जी लीला करते हैं बंधु। ये वृंदावन में जो लोग यहां सोचते हैं 12 बजे के बाद मंदिर बंद ठाकुर जी सो रहे हैं, गलत सोच रहे हो आप। ये 12 बजे जो मंदिर बंद हुए और 4 बजे यही तो लीला का समय, ठाकुर जी इसी समय कृपा करने जाते हैं किसी पे। ये सोते थोड़ी है ठाकुर जी, गौचारण का समय, लीला का समय ठाकुर जी का। ठाकुर जी पहुंच गए, गोविंददास जल्दी भूख लगी है मुंह को जल्दी खवा बाटी खवा। और गोविंददास बाटी सेकें, सेक करके चिंता से उठा के ठाकुर जी के आगे पत्तल में धरे। सो ठाकुर जी ने खामे ने खाके सोई बाकू जेब में भर ले अपनी, बाकी काजे लेके जानी है, खड़ो बेचारो लेके आयो मुंह को। जहां 5-6-7 सामान्य बाटी खाने वाले लोग होते हैं, ठाकुर जी कम 15-20 तो खाते हैं। 56 भोग देखा ठाकुर जी हमारे 100 सो लाला इतनो बड़ो इतनो सो वाको पेट और 56 भोग देखो कल कितनो पूरी नाप भर गई महाराज। ठाकुर जी को पेट नहीं है कुआ है, कितनो खवाए तो भरे ना है, खूब प्रेम से मामे। तो गोविंद दास ने पहले इतना आटा लगाया था कि उनको पता था कि लाल जी 20-25 बाटी तो खामेंगे, और वो भी तब जब राजभोग पाके आए हैं, राजभोग आरती हो गई है, पावे में तो बड़े निपुण हमारे लाल जी। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, एक बार एक तर्क कुतर्की व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, तर्क कुतर्की भी बहुत आते हैं ना। बोले एक बात बताओ ठाकुर जी को इतनी भूख क्यों लगती है, 8 बार भोग लगाते हैं सुबह से शाम तक, इतनी भूख क्यों लगती है ठाकुर जी को। उसका एक ही उत्तर है, पूरा विश्व भगवान के उदर में है, जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना तब सबका पेट भरता है। ये हम आप सब लोग रोज भोजन कर रहे हैं, इसका परिणाम यह कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। और यदि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, भूखा रह रहा है, तो निश्चित कोई ना कोई व्यक्ति प्रसाद का अपमान कर रहा है, उसी अपमान की वजह से कोई भूखा है। ये पूरा विश्व ठाकुर जी के गर्व में। और आप तो 8 अरब मानवों को जानते हो, जल के प्राणी, जंगलों के प्राणी, हवा में उड़ने वाले प्राणी, अरे छोटे छोटे जीवाणु भी, ये भी भोजन करते हैं, ये सब भी ठाकुर जी के गर्भ में। ठाकुर जी का इतनी बार भोग लगता है इसीलिए सब तृप्त हैं, सब पा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब गोविंददास पेट भर गो हमारा, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, अब जाके नेक देर सोमेंगे, फिर 4 बजे उत्थापन आरती होएगी। गोविंददास बोले जय जय बड़ी कृपा। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भए, सो ठाकुर जी की पीतांबरी इतनी फूल गई,
बाटी बल रही जेब में। गोविंददास बोले जे का हेरो है ठाकुर जी ने गुरु किया। बोले कहा ये इतनी पीताम्बरी ऐसी तुम्हारी कैसे फूल गई है, ये तो तब फूल है जब आप नाचो, जो गोल गोल घूमो तो ऐसी पीताम्बरी फूल जाए आपकी, ये इतनी कैसे फूल गई, कहा भर रखो भीतर। ठाकुर जी भगे कछु न गोविंददास ने पकड़ ली, देखे तो भीतर थे महाराज गोजा में बाटी भर रखी है। ये जेब को ब्रजभाषा में कहें गोजा, गोजा में बाटी भर रखी है। गोविंददास बोले बाटी जेब में काहे धर रखी है, कौन के काजे ले जा रहे हो ना, कोई को नहीं। ठाकुर जी ने एक बार ऐसे देखी उसकी तरफ जो पेड़ के पीछे छुपा था। गोविंददास बोले कौन को देख रहे हो। दौड़ करके गोविंददास गए तो वो झाड़ू लगाने वाला बालक मिल गया। ठाकुर जी सही सही बताओ पूरी बात कहा है। तो उस बालक ने कहा गोविंददास जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठ के आए। गोविंददास बोले राम राम राम, महा गुसाई जी ने मंदिर में इतने नियम बना रखे हैं, हाथ धो के आए करो, पामन को धो के आओ, आधो स्नान करके आओ, शुद्धता को ध्यान रखो। बेचारो वो तानसेन एक बार पद गावे आयो तो गुसाई जी ने भगाए दियो। बोले काय को, बोले पहले तांबुल थूक के आ, शुद्ध मुंह से सेवा कर ठाकुर जी की, इतनी सेवा शिष्टाचार को विचार करें, और यार ठाकुर ने सबरी सेवा तोड़ रखी है, झाड़ू लगावे वाले इनके कंधा पे बैठ बैठ के डोल लो, सबरे नियम हमारे काज है नहावे धोवे के, तुम्हारे काज कछु ना है। ठाकुर जी बोले अब ठीक है गोविंददास, गुस्सा का कर रहो कोई बात ना, छोड़ दे याको। बोले याको कोई अपराध थोड़ी है बेचारो, ये तो ऊपर ही ना जावे कभी गिरिराज पर्वत पे, तुमने ही बुलाए होगो जरूर। बोला हाँ इन नहीं बुलायो। ठाकुर जी बोले बजमारे तू और बता दे सबरी बातन ने, अरे तो पे कृपा करिए तू और मेरी शिकायत कर रहो। गोविंददास बोले ऐसे काम नहीं चलोगे। ठाकुर जी बोले बता कहा करूं। गोविंद कुंड में स्नान करो, स्नान करके ऊपर जाओगे। ये बड़े तीन तीन बार नवा नवा के हमको बड़ी अप्रस्ता को बात बता में, ठाकुर जी के सामने शुद्धता से जाओ पवित्र, अब खुद अपवित्र हो ना के जाओ। ठाकुर जी बोले देख भैया सर्दी को समय कैसी ठंडे कोहरा पड़ रहे हैं, सूर्य के दर्शन ना भाई चार दिन आते, तू मुको कुंड में नवावे गो, ऐसा मत करे। चल मैं एक काम करूं, मैं आचमन कर लूं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई अभ्यंतर सुचि। ऐसे जल छिड़काव करके व्यक्ति पवित्र माना जाता है। ठाकुर जी गए गोविंद कुंड पर जाके जल लेके अपने नाम से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। यस्मरेत पुंडरी काक्ष सबाई अभ्यंतर सुचि। इतने में गोविंद दास पीछे से गए धक्का दे दियो ठाकुर जी को, गेर दिए गोविंद कुंड में। ठाकुर जी महाराज गोविंद कुंड में डूब रहे हैं तैर रहे हैं। बोले हे गोविंदा तो देख लूंगा मैं आज। गोविंददास की बात मान के ठाकुर जी बेचारी गोविंद कुंड में नहा लिए, दौड़ करके मंदिर में गए। जैसे ही उत्थापन आरती भई सो देखी ठाकुर जी के सर्वांगन अंग से जल चुचा रहा है। गुसाई जी बोले जय जय इतनी सर्दी, आपको पता है श्रीनाथ जी साल में 3 या 4 बार स्नान करते हैं बस, तो बाकी के दिन गीलो कपड़ा करके पहुंच दिए जाए बेचारे, नेक सो सब बालक है, रोज रोज नहावेगो तो बीमार पड़ जाए वो, इसलिए रोज रोज केवल पहुंचा जाता है, बाकी जन्माष्टमी स्नान पूर्णिमा आदि 2-4 साल में दिन है उनमें स्नान करते हैं। गोविंददास जी तो बड़े अंगीठी रखी कंबल उड़ायो। गुसाई जी ने गोविंददास जी आए, गुसाई जी बोले हे गोविंदा तेने ठाकुर जी को धक्का दे दियो गोविंद कुंड में। अच्छा तो पहले ही आके बता दे इनने मैंने कहा कियो है, अब मैं बता दूंगा आप कहा कर रहे। ठाकुर जी सारो कहने नहीं 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 तू मत बता रहे, मेरी शिकायत मत करे भैया, गोविंदा तू मेरो प्रिय ना है, मेरी शिकायत मत करे। गोविंददास जी बता दी, बोले गुसाई जी ये झाड़ू लगावे वारो बालक है, वह कंधा बैठ के घूम रहे, इनने शुद्धता पवित्रता का विचार नहीं किया, इसलिए मैंने गोविंद कुंड में धक्का दियो। तब गुसाई जी लाल जी की इस लीला को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। बोले जय हो जय जय आप बड़े कृपालु हो, कौन कौन पर कैसी कैसी कृपा करवे जामे आपके, आपके या भाव को हम बार बार प्रणाम करें। ऐसे भैया ठाकुर जी की मधुर लीला 2:15 हो गए हैं। कितने बजे की बस है सबकी? 3-4 बजे की है, सब निकलने हैं। हाँ तो अब हम लोग भी भाव से ठाकुर जी को प्रणाम कर लें। बंधुओं बहुत आनंद आया
काशी में 3 दिवस तक ये भगवत चर्चा हरि चर्चा करने का बहुत बड़ा सुख मिला। हमारी ये सब सखियां हैं श्री किशोरी जी की, जिन्होंने मिलकर के ये सब सुंदर भाव रखा। खूब इनका मन था खूब दिन तक हो, खूब हो अच्छे से, पर जितना समय मिल पाया। आज हमको रात्रि विदेश प्रस्थान करना था, पर कल ही कार्यक्रम स्थगित किया। बहुत दिन हो गए वृंदावन से गए हुए, अब हम वृंदावन सबको सुनाते हैं, कुछ दिन जाके वृंदावन में आराम करेंगे। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, टटिया स्थान की रज में लौटेंगे, संत जनों के पास जा जा करके मधुर वाणी सुनाएंगे। ऐसे करके अब अपने आगामी 6-7 दिन मंगल करेंगे, फिर उसके बाद लगातार फिर कथाएं हैं। काशी से बंधुओं बस एक ही प्रार्थना है हमारी, ये भूमि हमको बार बार बुलाती रहे। मुझको बहुत प्रिय है काशी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। हमारे अभिषेक जी तो कल कह रहे थे, बालक सब बता रहे हमारे अनुज जी की, महाराज जी एक बार लाल जी का जन्मोत्सव काशी में भी करो। आप हर वर्ष जो अलग अलग स्थानों पर करते हो, एक बार आप गंगा जी के तट पर भी करो। इस बार द्वारिका में अंतिम दिन हमारे ठाकुर जी के सामने पर्ची डाली जाती है स्थानों की, और फिर जो पर्ची उठेगी उसमें जिस स्थान का नाम आया अगला उत्सव वहीं होता है। तो इस बार की एक पर्ची काशी की भी डालेंगे। अगर हमारे लाल जी को मन भाया तो निश्चित अगले उत्सव के, वैसे तो 5वां उत्सव है मतलब 2025 में, 2024 में ठाकुर जी का 4था उत्सव है, 5वां है, 5 साल के है लाला, अरे हाँ 5 साल, तो ये 5वां उत्सव तो अभी द्वारिका में है। तो हमारा एक और था कि हर 5 वर्ष के बाद एक उत्सव नाथद्वारा में करेंगे, तो शायद हो सकता है 25वां, अब देखेंगे जैसा जो हो पर्ची डालेंगे लाल जी के आगे। आप सब आना द्वारिका 11 से 17 जनवरी, 17 जनवरी को ठाकुर जी के आगे 4 स्थानों की पर्ची डलेगी, नाथद्वारा, काशी, वृंदावन और एक स्थान और जहां की गोवर्धन, जहां की पर्ची आएगी वहीं उत्सव होगा। अगर काशी की आ गई तो कमर कस लेना फिर सब लोग, 1 साल तक आप लोगों को चैन नहीं पड़ेगा, फिर सब व्यवस्थाओं में लगे रहना, कौन सी जगह होगा, सब सुख मिले, महाराज सब लोग पधारें, जनवरी का महीना रहेगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, कोहरा पड़ रहा होगा, विश्वनाथ महादेव पधारेंगे, तो कुछ ना कुछ योजना, जैसी लाल जी कृपा करेंगे, तो अगर पर्ची में काशी का नाम आया तो 2025 का उत्सव काशी में होगा, और फिर उसके लिए आप सब लोग तैयार रहना। हमारे सब जो मंडल है जिन्होंने ये सब सुंदर कार्यक्रम कराया, सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। लाल जी आप सब पर ज्यादा कृपा नहीं करें, बस इतनी करें कि आप सबके अंतिम समय आने से पूर्व ठाकुर जी का एक बार संपूर्ण जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाए। लाल जी प्रत्यक्ष एक बार हमको दिख जाए, बस ये कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाए, और हमारी कोई अभिलाषा नहीं। हम बार बार काशी में आते रहेंगे, हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, हमारे सौरभ जी, अभिषेक जी, ये सब हमारे सखा हैं, इन सब के भाव से हम आते रहते हैं, और ये सब हमारी सखियाँ हैं, अब इनके भाव से भी आते रहेंगे, और बाकी हमारे सबके सवन के सबसे बड़े सखा तो हमारे महादेव हैं, इन पर कृपा अनुग्रह ये हम पर बनाए रखें, आते रहें। आओ बड़े भाव से गाओ, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हो रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मधु मोहन मदन मोहन को रूप निरख के, मदन श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बल जाए वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जाए वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब और धारे प्यारो गोपी नाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाथ, प्यारो प्यारो गोपी नाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगा। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगा। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री
रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर है हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम हे प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा नाम ओ सघन कुलज यमुना तट आयो सघन कुलज हे सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन श्री वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो किशोर कुलाण लड़ायो नवल कुंज ही माहि युगल किशोर कुलाण लड़ायो नवल कुंज ही माहि हाँ प्यारो नवल कुंज ही माहि प्यारो नवल कुंज ही माहि हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन कुलजन कुलजन की रज धारे कुलजन कुलजन की रज धारे जहाँ व्यास युगल यश गाए वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे 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 जहाँ व्यास युगल यश गाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि वन करत बिहार हे प्यारो निधि वन करत बिहार प्यारो निधि वन करत बिहार प्यारो निधि वन करत बिहार प्यारो श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी ओ जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी
तेरी श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब लोग दोनों भुजा उठा करके भाव से गाओ, विश्वभानु दुलारी राधे राधे, विश्वभानु दुलारी विश्वभानु दुलारी, जय राधे राधे जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। Had non-alcoholic fatty liver disease. I was in a pretty dark place. With Noom Weight, not only have I lost half my body weight, I feel half my age now. I got the scan showing my liver was healthy and happy. The doctor was dancing around, which I no longer need. I used that machine. My knees felt great, and I can stand up without assistance. I don't feel winded, but I feel like I have the energy of a teenager. I'm like the Energizer Bunny now. My joy in life is back. I believe in myself now. I believe that I have the power to do a lot more than I ever dreamed possible. You are listening to Mahakatha Meditation Mantras, the world's most loved source for healing meditation mantras for peace, positive energy, and abundance.